नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ओडिशा में बीते 24 घंटों में 16 जिलों से कोरोना संक्रमण के 212 मामले सामने आए हैं। इनमें 18 वर्ष से कम आयु के 70 बच्चे शामिल हैं। प्रदेश का एकमात्र जिला केंदुझर संपूर्ण रूप से कोविड मुक्त हो गया है। ओडिशा में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है, मगर इस कमी के बावजूद बच्चों में संक्रमण के मामले उस अनुपात में बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रदेश का केंदुझर जिला अब पूरी तरह से कोरोना मुक्त जिला हो गया है, जहां एक भी सक्रिय मामला नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में आज 16 जिलों से 212 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 18 साल से कम आयु के 70 बच्चे शामिल हैं। क्वारंटाइन में 123 हैं, जबकि 89 स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कुल संक्रमित 212 मामलों में से आज खुर्दा जिले से 90 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा बालेश्वर जिले से 3, बौद्ध जिले से 1, कटक जिले से 2, गंजाम जिले से 2, जगतसिंहपुर से, झारसुगुड़ा जिले से 2, केंद्रापड़ा जिले से 1, केरापुट जिले से 2, मयूरभंज जिले से 13, नयागढ़ जिले से 1, पुरी जिले से 9, संबलपुर जिले से 13, सुंदरगढ़ जिले से 39 एवं स्टेट पुल में 22 लोग संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश का एकमात्र जिला केंदुझर है, जहां पर फिलहाल एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।